अरे वाह, ये तो अजब इंसिडेंट हो गया। हाँ एग्जैक्टली। अरे वो इंस्पेक्टर क्या बोला था, बात हुई? हाँ उसने बोला कि डेड बॉडी की पहचान हो गई और अपने जिंदा दोस्त को लेके वो थाना आ जाए और ढूंढ ले जाए। हाँ तो कल चले जाना। हाँ अरे ये सब तो आज कल ऑडिशन भी था ना। हाँ क्या हुआ, कुछ बताओ उसके बारे में। अरे आज मुझे वहाँ पे एक लड़की मिली थी। हाँ वो मुझसे खुद बात करने आई। उसने बोला हाय आई एम कुसुम बट यू कैन कॉल मी कुसुम। अरे वाह। फिर मैंने बोला हाय आई एम छगन बट यू कैन कॉल मी छगू ना हगू हगू ना यू कैन कॉल मी सैम। सैम इसका भी यही रिएक्शन था ये सुनने के बाद। अबे होगा भी कैसे नहीं, बात ही ऐसी कर रहा है, कहाँ छगन और कहाँ सैम। हाँ अब नैनो कार में जगुआर का लोगो लगा देने से नैनो तो जगुआर नहीं बन जाएगा, नैनो कार तो नैनो ही रहेगा। मैंने भी यही एग्जांपल दिया। अब उसे तो तुझे गाली दी थी, गाली ने दिया ना बाद क्या बात कर। मुझे तो आज पता चला लड़के इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। वैसे कौन कौन सी गाली दी उसने तुझे? छोड़ना जाना से बताना भाई, बताना भाई प्लीज प्लीज बताना दो प्लीज। फोन आया, अननोन नंबर, स्पीकर पे डाल। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं सन्नी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं छगन बोल रहा हूँ। अच्छा छगन हलवाई क्या? रख कांटू रख, इतनी रात को तेरे को मस्ती करने की सोची है रे, रख। रात को पता नहीं किसे मस्ती करने की सोची। बचपन से ही लोग मुझे छगन हलवाई बोलते थे। रात संग आ गया उसका। मेरे साथ भी तो यही होते आया है, मेरा टाइटल भी मीठा है और लोग मुझे मीठा मीठा बोल के बहुत चिढ़ाते हैं। एक ने तो ये भी बोल दिया कि मैं तुझे चके देखूं क्या तू सच में मीठा है कि तेरा सिर्फ टाइटल ही मीठा है। कितना मीठा है ये, बढ़िया था। अच्छा ये हंसी मजाक बंद करते हैं, थोड़ा सीरियस टॉक करते हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा है तो कहीं ट्रिप पे चला जाए क्या? पहले पैसे निकाल फिर चलते हैं। यार मेरे पास कहाँ पैसे हैं? तेरा ससुर तो बड़ा पैसे वाला है, तुझे पैसे क्या करना। क्या बात कर रहे हैं। हाँ और इसने अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ भी बोला है, ये बहुत अमीर है और बंगलों में रहता है। अगर ऐसा है तो कभी ना कभी तो उसे सच पता चल ही जाएगा। तो जब पता चल गया तब देखेंगे अभी ये सच कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, अब पिंटू भैया के बारे में कुछ जाना जाए। अरे मेरे बारे में क्या जानोगे? तो बताइए कि आप मुंबई कब आए, क्यों आए, जो करने आए तो वही कर रहे या कुछ और करने लगे? तुम लोग को सच में जाना है? हाँ खोलिए थोड़ा अपना पिटारा। ठीक है मैं मुंबई आया था 6 साल पहले डॉक्टर बनने। 4 सालों तक तो मैंने वही किया पर फिर मेरे घर की कंडीशन खराब होने लगी, माँ भी बीमार रहने लगी। फिर अपना पैशन छोड़कर पैसा कमाने के लिए मैंने कैफे खोला। अच्छा इन 4 सालों में एज एन एक्टर आपको कहीं भी अच्छा काम नहीं मिला? नहीं, और मुंबई का शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस होगा जहां मैंने अपना प्रोफाइल ना दिया। पैसों की दिक्कत तो हमें भी होती है, जूनियर आर्टिस्ट करके काम चला रहे। हाँ मेरे घर वालों ने भी पैसे देने से मना कर दिया है, अब मुझे भी लगता है वही काम करना पड़ेगा। देखो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमें घर से सपोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही मिलता है, और उसमें भी अगर हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं ना तो वो भी नहीं मिलता। और रही बात स्ट्रगल की, तो हम मिडिल क्लास वाले पैदा ही होते हैं स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करने के लिए। बात तो सही है आपकी। अच्छा आपको एक्टिंग का कीड़ा कब से काटा? कॉलेज में थिएटर करता था वहीं से। अच्छा आपकी कोई लव स्टोरी है तो बताइए ना। अरे नहीं वैसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे, हर आर्टिस्ट की एक कहानी होती है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपकी जुबान कुछ और बोल रही है और आपकी आंखें कुछ और बोल रही है।
नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात है, बट मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आपको कभी किसी से प्यार हुआ? रात बहुत हो गई है, चलो अब हमें सो जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आज बहुत दिनों के बाद बैठ के अच्छा लगा, मजा आया कन्वर्सेशन करने में। और रुक रुक का प्लान करते हैं, बताते हैं आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी बात बिट्टू साहब से हो रही है? जी सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पार्किंग बे ऑफिस। ओके सर, 2 साल पहले आपने अपना प्रोफाइल दिया था। हाँ, तो आपको एक ओटीटी के सीरीज का सेकंड लीड के लिए कास्ट कर दिया गया। क्या सच में? यस सर, दिस इज ट्रू सर। तो आपका लुक टेस्ट के लिए सुबह 10 बजे पार्किंग बे ऑफिस आ सकते हैं क्या? हाँ मैं आ जाऊँगा। ओके सर, मैं आपको एड्रेस फॉरवर्ड कर देती हूँ। ओके थैंक यू। Hey guys, कैसा लगा हम सिकंदर का सारा एपिसोड? कमेंट करके बताना। और हाँ, सारा एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा तो सारा का सारा जाकर देखो और शेयर करके दूसरों को भी दिखाओ। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। चश्मा मैंने स्टाइल के लिए पहना नहीं है, धूप बहुत है इसलिए पहना। तो बस जाओ देखो और प्यार दिखाओ, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और कुछ अलग करने का सोचेंगे। और बहुत ही जल्द हम लोग आने वाले नए प्रोजेक्ट के साथ, तो तब तक तुम लोग सिकंदर को एंजॉय करो और दूसरों को भी एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।